उज्जैन शहर में प्रतिवर्ष लगने वाले वर्ष भर में एक बार मेले, जिसमें पिछले दो वर्षों से उसे लगाया नहीं गया था और गंभीर महामारी कोरोना वायरस की वजह से और इस वर्ष लगा मेला, पर मेले में व्यवसाय बेहतर नहीं होने की वजह से कई दुकान और प्रतिष्ठान और झूले वालों ने अपने काम को पूरा नहीं किया है। घाटा होने की वजह से वही मेले के अंदर स्थानीय रहवासी और आम नागरिक भी शाम को कम संख्या में पहुंच रहे हैं, जहां इससे पहले इस मेले में हजारों लोगों की भीड़ पहुंचती थी और जहां पर पूरा मेला परिसर भरा हुआ रहता था। आम नागरिकों से इस वर्ष लगा हुआ मेला परिसर खाली पड़ा हुआ है, जिसके बाद में वहां पर नगर पालिका निगम के द्वारा कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मेला परिसर के अंदर वहां पर अधिकारियों को भी पता है कि कम संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, वह भी गिनती के 50 या 60 कुर्सी लगवा रहे हैं और कार्यक्रम स्थल पर होने वाले कार्यक्रम में कम संख्या में लोग पहुँच रहे हैं, पर कार्यक्रम सफल और बेहतर बनाने के लिए जहाँ पर जरूरी राशि भरपूर खर्च की जा रही है। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।